जय श्री कृष्ण। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, डोले ग्यारस, पद्मा और पद्मश्री एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु करवट बदलते हैं और इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार और श्री कृष्ण की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर हो जाते हैं और इंसान को हर समस्या से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत करने से वाजपेय यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि पद्मा एकादशी 2024 में कब रखी जाएगी, पूजा की विधि कैसी होगी और इसके साथ साथ पद्मा एकादशी के दिन किए जाने वाले अचूक उपाय, उनके मंत्र और पारण का शुभ मुहूर्त कब है, आज ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं पद्मा एकादशी के बारे में। दोस्तों, इस बार पद्मा एकादशी का आरंभ 13 सितंबर को रात्रि के समय 10:30 से हो रही है और जिसकी समाप्ति 14 सितंबर को रात्रि 8:41 तक होगी। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार 14 सितंबर यानी शनिवार को ये व्रत रखा जाएगा। अगर हम बात करें पारण मुहूर्त की तो पारण 15 सितंबर को सुबह 6:06 से लेकर 8:34 तक किया जाएगा। अगर हम बात करें पूजा विधि के बारे में तो दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प ले और व्रत रखें। भगवान विष्णु तथा श्री कृष्ण का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी अवश्य ही पूजा करें। इससे आपके घर में बरकत होगी। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद पूरी विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद आरती करें। तुलसी के साथ सात्विक चीजों का भगवान को भोग लगाएं। आप भोग में मिष्ठान या फिर खीर का प्रयोग भी कर सकते हो। इस दिन भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का अधिक से अधिक ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें। आप इस दिन ओम क्रम कृष्णाय नमः का जाप कर सकते हो या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप आप अधिक से अधिक करें। रात्रि के समय जागरण करें, क्योंकि एकादशी के व्रत में रात्रि के जागरण का ही बहुत अधिक विशेष महत्व है। और अगले दिन यानी 15 सितंबर को सुबह 6:06 से लेकर 8:34 तक पारण करें। पारण करने से पहले आप ब्राह्मणों को भोजन करें, अपने यथा उचित के अनुसार, अपने श्रद्धा के अनुसार उनको चीजों को दान करें। उसके बाद ही चावल का एक दिवाला खाकर ही व्रत को खोलें। दोस्तों, अगर बात करें कि एकादशी के दिन कौन से उपाय करें, क्योंकि एकादशी का दिन बहुत ज्यादा शुभ दिन है और ये एक ऐसा दिन है जिस दिन अगर हम कोई उपाय करते हैं तो उसका शीघ्र ही हमें फल प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। सबसे पहला उपाय, दोस्तों जब आप भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हो तो पूजन के समय श्री विष्णु के सामने कुछ सिक्के रखें और पूजन के बाद उस सिक्के को लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपने पर्स या तिजोरी में रखें। ये उपाय करने से आपके तिजोरी में पैसा हमेशा खचाखच भरा रहेगा और धन आगमन के साथ साथ वो धन भी स्थिर रहेगा। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप पर कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है, बार बार कर्जा लेने की स्थिति आती है, कर्ज उतर नहीं रहा है, तो एकादशी के दिन आपको पीपल के पेड़ की जड़ में शक्कर मिला हुआ जल अर्पित करना चाहिए और शाम के समय पीपल के नीचे एक दिया जरूर जलाएं। तीसरे उपाय की बात करें तो दोस्तों, यदि आप आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको भगवान विष्णु के मंदिर में एक साबुत श्रीफल या फिर 125 ग्राम साबुत बादाम जरूर चढ़ाना चाहिए। अगले उपाय की बात करें तो दोस्तों, एकादशी की रात्रि में घर में या फिर श्री विष्णु मंदिर में जाकर श्री हरि के सामने 9 बातियों वाला दीपक जलाएं। दिया बड़ा लें ताकि वो रात भर
जलता रहे। इतना बड़ा दिया हो कि उसमें रात भर आपका दीपक जले, उसमें तेल भर दे, 9 बाती डाल दे और उसे जला दे। ये उपाय करने से आर्थिक रूप से आप तरक्की करेंगे, ऋण चुकता होगा, इसके साथ साथ आपके जीवन में सुख सौभाग्य। और इसके अलावा यदि आपके विवाह में किसी प्रकार की अड़चने आ रही है, विवाह शीघ्र नहीं हो पा रहा है, तो विवाह शीघ्र करने के लिए विवाह न होने पाने की स्थिति में ऐसे लोगों को एकादशी पर श्री विष्णु को पीले फूल से श्रृंगार करना चाहिए और उन्हें सुगंधित चंदन लगाए और बेसन की कोई मिठाई है आप उनको भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से विवाह के शीघ्र योग बनने लगेंगे। दोस्तों 11 के दिन दही और चांदी का दान करना चाहिए। ऐसा आप करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा श्री कृष्ण चालीसा का भी आप कर सकते हो, कृष्ण के नामों का उच्चारण कर सकते हो। ऐसा करने से आप पर श्री हरि की और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा होगी। इस दिन आपको माता लक्ष्मी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधित जितने भी दिक्कतें हैं वो दूर होती हैं। दोस्तों ये थी पद्मा एकादशी, कब है पद्मा एकादशी पर किए जाने वाले उपाय के बारे में। दोस्तों आशा है कि इस उपाय का आप भरपूर प्रयोग करेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।